चरण कमल तेरे थोए थोए पीवा, मेरे सतगुर दीन दयाला। चरण कमल तेरे थोए थोए पीवा, मेरे सतगुर दीन दित्ता लइए सुख तेरा।
मुक्त भुगत जुगत तेरी सेवा तेरी सेवा मुकद भुगत मुकद भुगत जुगत तेरी वाहे।
जुगत तेरी सेवा जिस तू आप कराए तहां बैकुंठ जह कीर्तन तेरा तू आपे सरदार सिमर 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 नाम जीवा तन मन होए निहाला चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा मेरे सतगुर दीन दया कुर्बान जाई उस वेला सुहावी जित तुमरे द्वारे आया मैं उस वेले तू सदके जाना हे मेरे सतगुरु मैं उस वेले तो कुर्बान जाना जिस वेले मैं चल के ते तेरे दर ते आया गुरु नानक दे दर ते हर कोई नहीं आ सकता गुरु नानक दे घर विच हर एक कोई नहीं आ सकता इत्थे आके ओही सेवा करेगा ओही नाम जपेगा गुरु दे दर ते ओही आएगा बाबा जी क्या करदे सन जिसनू गुरु नानक साहब आप अपने घर दा दरवाजा खोलेगा नहीं तो संगत विच आंदे आंदे पछड़ जाएगा कोई जरूरी काम पै जाएगा कहिंदा अज नहीं कल चला जावा पर जिन्हां ते गुरु दी मेहर होएगी कृपा होएगी वो संगत विच आके बैठणगे ते जपणगे श्री धन गुरु नानक पातशाह जी कोलों किसे जिग्यासु ने सवाल किया सच्चे पातशाह तुसी किसे ते खुश होंदे हो तां उन्हों की देंदे हो बहुत सारा धन तियां पुत्र
मकान शोहरत। गुरु नानक साहब जी कहन लगे कोई वड्डियां दातां नहीं, मैं जदों अपने किसी सिख ते अपने सेवक ते खुश होना उन्हूं संगत विच बह के गुरु की बाणी सुनन नूं देंदा। अज साडे वड्डे भाग हन कि सानू इस वेले धन गुरु नानक पातशाह जी ने अपने चरणों विच अपनी संगत विच गुरु ग्रंथ साहिब ने अपने चरणों विच सानू इस वेले बिठाया है ते कृपा करके साडे तो अपने दर की सेवा लै रहे। नाम जपना भी सेवा है, संत की सेवा हर नाम ते आईए। संत की सेवा जरूरी यही नहीं कि असी जरूरी उन्होंने माया ही मत्था टेकी या कोई पदार्थ उन्होंने भेटा करिए खुश होंगे। ये तो सब कुछ दिता ही गुरु का है, असी उन्हों की भेटा कर सकते। हाँ जे भेटा करना ही ता फिर मन बेचे सतगुर के पास तिस सेवक के कारज रास। अपना मन गुरु नू दे दे। महाराज जी बचन करते सन हुण मन गुरु नू किवें बेचिए, कोई शह तो नहीं ना अगे रख दईए जेब विचों कढ के लै लो जी। ये हुण मन गुरु नू किवें बेचना, कोई पदार्थ नहीं कि रख दईए गुरु अगे कढ के। महापुरख बचन करते सन ये मन इवें बेचना है कि तेरे मन ते तेरा हुक्म ना चले, तेरे मन ते तेरे गुरु का हुक्म चले। हुण साड़ा मन जिहड़ा है ये साडे अपने आखे नहीं लगता, असी कुछ कहने मन कुछ आखदा। गुरु आखदा सवेरे उठ, मन आखदा सवेरे उठण दी की लोड़ है। वेख्या नहीं राती किन्नी थकावट हो गई है। गुरु आखदा संगत विच आ, मन आखदा होर भी तां बड़े काम मन संगत विच फिर चले जावांगे। एक मन वैरी आपना, ये मन वैरी है, इन्होंने मित्र किवें बनाइए। एक मन वैरी आपना दूजा नाल शैतान, तीजी वैरन नींद है जिहड़ी जपण ना देंदी नाम। ये नींद भी वैरन है, नींद भी विछोड़ापन। कई संगत विच आके सौ जांदे अख श्री, उन्हां नूं पता ही नहीं लगता भई अज कीर्तन केड़ा शब्द केड़ा। एक दिन महाराज जी संत सुजान सिंह जी बैठे सन, एक जिज्ञासु ने सवाल किया महाराज जी जिहड़े संगत विच नहीं आउंदे गुरु घर विच नहीं आउंदे कदे सेवा सिमरन विच नहीं जुड़दे उह तां चलो नरकां विच जाणगे, जिहड़े आ के नाम जपदे न सेवा सिमरन नितनेम करदे न गुरु घर विच उह गुरुपुरी विच जांदे न, ते जिहड़े संगत विच आ के सौ जांदे न उह कित्थे जाणगे। महापुरख हस के कहण लगे चलो संगत विच आ तां गए ना, अज सुते न कल जाग भी जाणगे। सिर्फ तन नूं ध्यान रखना, सिर्फ शरीर नहीं सौंदा, कई वारी साडा मन भी सौ जांदा, मन विकारां विच सौ जांदा। इस वास्ते मन नूं जगाणा है, मन नूं आखणा है मना मानुख जन्म मिलिया ही बार बार नहीं मिलना, संगत विच आ सेवा कर नाम जप भई प्राप्त मनुख दे हुरिया गोबिंद मिलन की एव तेरी बरिया अवर काज तेरे किते न काम मिल साध संगत पज केवल। कुछ समा तां कढ़ ना गुरु वास्ते, अज में माया दा दसवंत दिन दिन गुरसिख। बाबा जी क्या करते सन जिमें माया दा दसवंत देंदे हो गुरु घर विच आ के उत्थे अपने 24 घंटियां दा दसवंत समय दा दसवंत भी 2.5 घंटे जरूर नितनेम करिया। हुण हिसाब ला लो किसे दी उम्र 80 साल है, जे उह 2.5 घंटे रोज़ नितनेम करे ना ते पता है सारी जिंदगी विच कितना नितनेम हुंदा है।
12 वरे तो वो खेडा विच ही गुजर गए। हम 12 तक कटाई लो विच असियां विच, बाकी रह गए 68 वरे। 68 वरे बिना किसे छुट्टी कीतियां, रोज नितनेम करे तो तकरीबन 7 साल सारा जिंदगी विच नितनेम बनता है, बाकी उम्र अफल चली। सिर्फ 7 साल असियां विच्चों 7 कमाई होई, हुण वेखो ते काटा कितना हो गया। कदे हिसाब ला लो, दुकानदार बैठे हो सारे अख श्री 80 रुपये रब ने सानू स्वासा रूपी 80 साल दिते, सिर्फ 7 साल कमाई कीती, बाकी दे 73 रुपये गवा बैठे दुनिया दे बाजार। वह भी 2.5 घंटे नितनेम की कर लेंदियां, छालां मार दे फिरनियां भी साडे वर्गा नितनेमी कोई नहीं। होर गल वेख लो, वह जिहड़ी 7 साल तपस्या कीती है, नितनेम कीता है हंकार करके, वह भी गवा बे नहीं। इस वास्ते नितनेम करदियां सेवा करदियां मन विच कदे अहंकार ना। आ जीवन वेखो बाबा हरबंस सिंह जी कार सेवा, सारा जीवन नितनेम कीता, गुरु तामा दी सेवा कीती, अपने आप नू कजे गिनाया नहीं कि मैं भी कुछ हाँ। जिथे थां मिली बह गए, ओही जीवन बाबा बचन सिंह जी दा, प्यार नाल जपो श्री। सेवक नू वेख के स्वामी याद आंदा, प्रभ ते जन जनीजे जन ते स्वामी। किसी ने बाबा हरबंस सिंह जी कार सेवा वालियां दे दर्शन ना कीते हो ना, बाबा बचन सिंह दे दर्शन करिया, प्यार नाल जपो श्री। ये उन्होंने सेवक हैं, सेवक ने वेख के तुहानू स्वामी याद आए। इसे तरह गुरु नानक दा सिख होवे, जिथे जाके बोले, जिथे जाके गल करे, जिथे जाके सत्संग करे, सारे आखन जे गुरु नानक दा सिख एडा प्यारा है, गुरु नानक केडा प्यारा हो सी। प्यार नाल जपो श्री। सानू तां अपनियां लड़ाइयां तो फुरसत नहीं, गुरु दी गल की सुणावांगे नहीं। गुरु घर बने इसे वास्ते हन, सत संगत कैसी जानिए जिथे एको नाम बखाणे। आ कच्ची बाणी ते पक्की बाणी दा अज बड़ा चक्कर पिया। सच जानना कच्ची बाणी ओ है जदों माइक ते लै के कोई प्रबंधक किसी मनुख की तारीफ कर, एक कच्ची बाणी। गुरु नानक की बाणी ओ है जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहिब विच लिखी है, असी बोलदे हाँ। इस वास्ते संगत विच आयां दा धन्नवाद करना चाहिए, उस्तत करनी है तां गुरु नानक की करनी। प्यार नाल जपो श्री। असी जितनी वेरा आए हुए पतवंत सजन का नाँ लै लें, उन्नी वारी कदी गुरु नानक का नाँ नहीं लेंदे। जरूर करिए धन्नवाद, जिहड़े गुरु घर विच आए न, सेवा कीती है, उन्होंने सत्कारिया जांदा है। पर एडा सत्कार भी उहदा ना करिए किते गुरु वल साडी पिठ हो जाए। कई वार सिर पाओ पाउंदे आ सेवा करदे आ, असी गुरु वल पिठ करके सारे खिलो जाने, उस वल मुख कर लैने। प्यार नाल जपो श्री। गुरु नानक वाल मुख होवे, आया नू जी आया नू आख्या जावे, जेड़ा आवे वो इत्थों ऐसी खुशबू लैके जावे नाम दी गुरु नानक दे घर विच्चों, निम्रता दी, कि उहदा जी करे कि मैं अगली बारी फिर जावां, फिर जावां। साध संगत बोलो श्री। आओ एक बारी प्यार नाल सारे फिर जुड़ जाइए। सतगुर की सेवा सफल है जिको करे चित लाए, जपो सतगुर की सेवा सफल है चित लाए। सतगुर की सेवा सफल है जिनको करे चित लाए। जे को करे चित लाए
फल है जिनको तेरे चित लाए। सतगुर की सेवा सफल है जिनको तेरे चित लाए। नानक जो गुरु से
ਸਾਰੇ ਜਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਹਸਤੀ ਸਿਰ ਜਿਉਂ ਅੰਕ ਸਿਖੈ ਐਰਣ ਜਿਉਂ ਸਿਰ ਦੇ ਮਨ ਤਨ ਆਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੋ ਮਨ ਤਨ ਆਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਉਂ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਨਿਵਾਰੀਏ ਸਭ ਰਾਜ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾਲੇ ਹਸਤੀ ਸਿਰ ਜਿਉਂ ਅੰਕਸ ਹੈ ਐਰਣ ਜਿਉਂ ਸਿਰ ਦੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਵਤ ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਖੂੰਡਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਮੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖੂੰਡੇ ਤੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਚੋਟ ਮਾਰਦਾ ਹਾਥੀ ਉੱਥੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹਸਤੀ ਸਿਰ ਜਿਉਂ ਅੰਕਸ ਹੈ ਐਰਨ ਜਿਉਂ ਸਿਰ ਦੇ ਲੋਹਾਰ ਦੀ ਹੱਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਐਰਨ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਤੋਂ ਲੁਹਾਰ ਚੋਟ ਮਾਰਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੋਟਾਂ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਐਰਨ ਨੇ ਕਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਖਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਸੇਵਕ ਬਣਨਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਬਣ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਆਖੇ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਪੋ ਸ੍ਰੀ ਐਰਨ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਆ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੁੱਖ ਉਪਜੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਲਾਗੇ ਆਏ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਮਿਟ ਗਿਆ ਕਾਲੇ ਕਾ ਕਿਛ ਨਾ ਵਸਾ ਆਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ ਤਾਂ ਆਓ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਪਏ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਪੋ ਸ੍ਰੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੀਰ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਆਖਿਆ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਤੀਰ ਉਹੀ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਕਮਾਈ ਦੀ ਕਮਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤੀਰ ਸੁੱਟੀਏ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਜੇ ਕਮਾਨ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ੁਰਵੀਰ ਕੋਈ ਤੀਰ ਚਲਾਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਅਤੇ ਖੁੰਡੀ ਵਾਲੇ ਤੀਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋਗੇ ਅਤੇ ਆਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ ਕਬੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਕਬੀਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੂਰਮੇ ਬਾਇਆ ਬਾਣ ਜੋ ਏਕ ਲਾਗਤੀ ਹੋਏ ਗਿਰ ਪਰਾ ਬੜਾ ਕਲੇਜੇ 'ਚ ਕਬੀਰ ਗੂੰਗਾ ਹੁਆ ਬਾਵਰਾ ਬਹਿਰਾ ਹੁਆ ਕਾਨ ਪਾਉਂ ਤੇ ਪਿੰਗਲ ਭਇਆ ਮਾਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਣ ਆਖਿਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਬਾਣ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਗੂੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗੂੰਗਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਪਦੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਬਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਮੈਂ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਗਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਬਾਣ ਮਾਰਿਆ ਪਿੰਗਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ
प्यार न जपो श्री सतगुर की सेवा सफल है। साध संगत उसे दी सेवा सफल जिन्हें गुरु के बचना दी कमाई की थी। गुरु अमरदास जी ने अपने सतगुरु गुरु अंगद साहब की सेवा ते बचना दी कमाई की थी। 12 साल सेवा की थी गुरु का, साल पिछों एक सिर उपाव मिलना ते सिर ते बन लेना कदे मन विच नहीं आया। साल सेवा कीती है 2 गज कपड़ा ही तो मिले। महापुरख बचन करते सन जिन्हों गुरु घर विचों सिर उपाओ गुरु देवे ना खुश होके, समझो सिर तो लैके पाँव तक गुरु ने सिख दे पढ़ते कज लिते पढ़ते ठक। असी तो सिर उपाओ की वैल्यू ही ना समझी। ये सिर उपाओ इवें नहीं मिल जाता बख्शिशा, साल पिछों एक सिर उपाओ मिलना। 12 सिर उपाओ, 12 साल की सेवा तारना बंदगी ने की दिता साध संगत बाबा अमरदास जी नू तीजा गुरु नानक बना दिता। सतगुरु अमरदास बन गए किस पिछे? सेवा ते सिमरन भजन बंदगी ते गुरु बचना दी कमाई करके। कोई करे उसते गुरु नानक दी खुशियां होन गियां। अज बड़ी प्यारियां संगतां जो मिल के इत्थों दे प्रबंधकां वीरां ने सतगुरां दी ते महापुरखां दी असीसां नाल जो कार्ज कीता है वह भी कार्य सतगुरु जी ने सफल किए इन दे। हूँ प्यार दे नाल मिल के आखिरी पंक्तियाँ, कोई रस्ना खाली न रवे, सारे हाजरियाँ लाए आखो सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चितला। सारे जपो सतगुर की सेवा जे को करे चित लावे, जे को करे चित लावे, जे को करे चित लावे, जे को करे चित लावे। सतगुरु की सेवा कोट शुकराना है। शुकराना बाबा जी का, महाराज जी का, मुनि साहब समूह महापुरखों का, आइया रब रूप संगतां का, प्रबंधक वीरां का, सब तो वह धन्यवाद श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का, विशेष तौर पर टीवी चैनल्स वालों का जो ये प्रोग्राम का सारा रिकॉर्ड करके अपने चैनलों पर दिखाएंगे। सात संगत जी जो इत्थों दी संगतां ने दूर दराडे तो आईयां संगतां ने सोहना उपराला कीता है और बहुत वड्डी सेवा जो सतगुरु जी ने इत्थों दीयां संगतां ते प्रबंधकां नूं बख्शी उस सेवा नूं बड़े प्यार नाल बखूबी निभाया इन्हां ने। गुरु कृपा करे होर संगतां नूं सेवा प्रबंधकां नूं सेवा करन दा सतगुरु बल बख्शे। अज जिथे उते डिस्पेंसरी दी ओपनिंग होनी है, डायलिसिस डिस्पेंसरी दी, बड़ा अच्छा और शुभ दिन अज दा चुनिया गया। अज
हिंदुस्तान की आज़ादी का भी दिन है। ये आज़ादी इवें नहीं मिल जाती, इहदे पिछे कई मावां दे पुत्रां दे सिर लगे हुए हैं, शहीदियां पाईयां होईयां उन्होंने। डॉक्टर अब्दुल कलाम हिंदुस्तान का राष्ट्रपति अपनी किताब लिखण लगा तो उन्हें लिखिया विच कि हिंदुस्तान की जिहड़ी आज़ादी है इहदे विच जितनियां शहीदियां होईयां, शहीदां ने अपने सिर दित्ते ने, ते सब तो वध गिनती गुरु नानक दे गुरु गोबिंद सिंह साहब दे सिखां दी गिनती है। बोले सोनिया सोनिया, एक गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह साहब दी अपने सिखां ते बख्शिश है। जदों कोई सेवा का कार्ज होवे तां वी सिख सब तो अगे, देश की आज़ादी की गल होवे तां कुरबानी देण शहीदियां पाउण वास्ते सिख सब तो अगे। प्यार नाल जपो श्री, किते लंगर लाउणे होण, दीन दुखियां की सेवा करनी होवे तां सिख सब तो पहला, क्योंकि गुरु नानक साहब ने गुरु गोबिंद सिंह साहब ने अपने खालसे पंथ नूं इक वड्डी देन दित्ती है। जिथे सिमरन करना है, नाम जपना है, उत्थे मानुख मात्रता की सेवा भी करनी। सत संगत सारियानू जी आयानू, समा नहीं, हुक्म होर शब्दों का भी है, फिर जदों सतगुरु जी इत्थे लियाउणगे रसना नाल तुहाडे जोड़े चाड़ांगे। ये पंक्तियां सारे मिल के एक बारी पढ़ लो। एक बचन याद आया, अज उन्हां मावां नूं भी प्रणाम है, शहीदां दी मातावां नूं जिन्हां ने अपने बच्चियां दी कुर्बानी शहीदियां देश कौम दी खातर दित्तियां। एक बारी अकबर बादशाह ने बीरबल नूं पुछिया, बीरबल तू मेरे नौ रत्नों विचों एक रत्न है, ध्यान देना, दो मिनट दी बचन, तू मेरे नौ रत्नों विचों एक रत्न है, तू बड़ा हाजिर जवाब है, कोई गल मसला होवे ते मैं तेरे नाल सलाह करना, भई तू एडा सियाणा है ते मैं एक वारी तेरा तेरी मां दा भी मूंह वेखना चाहना, भई ओ मां कैसी है जिन्हें तेनू जमे है। प्यार नाल जपो श्री, वाहेगुरु जी। बीरबल ने जाके घर मां नाल गल कीती, मां बादशाह तेनू वेखना चाहता है। अगले दिन बीरबल की मां राज दरबार विच आई, कुछ देर रुकी, लोग बहुत आते, तो फिर वो वापस चली गई। बादशाह अकबर कहन लगा, बीरबल तेरी माता आई थी? आख्या, महाराज आई सी, तो फिर मैं उदा मूँह नहीं वेख्या सकिया, क्योंकि पहला घूंघट का जमाना सी, सिर मुँह कज दिया समझना नहीं। हूँ जिमें जिमें वक्त बदल रहा है, परमेशर भला करे, अख श्री, हूँ तो गुरुद्वारे आने वेले भी चुनिया लभदियाँ। हर संगत जपो श्री, वो वेला सी घूंघट का, मुँह कज दिया सन। बीरबल घर गया, मां नूं कहण लगा, मां बादशाह तेनूं वेखना चाहुंदा सी ते तू आ गई है। कहण लगी, मैं 15-20 मिनट रुकी उत्थे, फिर मैं वापस आ गई। बादशाह कहिंदा, मैं तेरी मां दा मूंह वेखना है। मां ने एक गल आखी, बीरबल अकबर बादशाह नूं जाके कह दें, मूंह औरत का देखा जाता है, मूह औरत दा वेख्या जांदा है, मां दे चरण वेखे जांदे। हुण किने व्याह करना होवे ना ते वो अपनी घरवाली दा मूह वेखदा है, किहदी शकल किवें है। उहने आख्या, बीरबल बादशाह को जाके बोलना, मूह औरत का देखा जाता है, मां के तो चरण देखे जाते हैं। अमृत वेले सवेरे उठ के जे पुत्र मां दे चरणा ते मत्था टेक के जावे ना, उदी हर मुश्किल आसान हो जाएगी।
मां तो सारा दिन अरदासा कर दी है, रब्बा मेरे पुत ते जिन्ने दुख न ये मैनू दे दे, ते मेरे पुत दे सारे सुख चोली विच पा दे। अख श्री वो माता पिता भी तन जिन्हां दे बच्चियां ने देश ते कौम वास्ते शहादतां दित्तियां। जे गिनती करिए शहीदां दी, शहीदां सिंघां दी, तां अज दे दिन देश दी आजादी वास्ते जितनी वड्डी गिनती विच सिखां ने, गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह साहब दे सिखां ने शहीदियां पाईयां, वो किसे ने नहीं पाईयां। तां उन्हां नूं शहीदां सारियां नूं प्रणाम है अज दे दिन दा। ये पंक्तियां सारे मिलके पढ़ लो, समाप्ति है। श्री कृष्ण जिस डिठे सब दुख जाए, एक बहादुर पुरखां दा, सारियां संगतां दा धन्नवाद है, प्रबंधक वीरां दा, सारियां नूं जी आयां नूं। कीर्तन करदियां, बाणी पढ़दियां, विचारां करदियां होईयां ने गलतियां भुल्लां दियां, सतगुरु जी खिमा करन, सतगुरु बख्शण जोगन, गुरु कियां संगतां बख्शण जोगन। इतनी कुहादरियां प्रवान प्यार सहर सारे फतेह गजाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।